आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने कहा, हम बैलेट पेपर के युग में नहीं लौटने वाले, ईवीएम से ही होंगे चुनाव। शहीद लॉन्स नायक नजीर अहमद वानी को मरणोपरांत मिलेगा सबसे बड़ा सम्मान, वीरता के लिए दिया जाएगा अशोक चक्र। बीजेपी नेता बाबूलाल गौर को कांग्रेस ने दिया भोपाल से लोकसभा टिकट का ऑफर, गौर बोले विचार करूंगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की गाड़ी का चालान गलत लिखी हुई थी नंबर प्लेट। और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की दरियादिली, एसएमएस मिला तो किया इलाज का इंतजाम। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने कहा, हम बैलेट पेपर के युग में नहीं लौटने वाले हैं। पिछले दिनों लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम हैक होने के दावे किए जाने के बाद एक बार फिर देश में इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। इसके बाद कई दल फिर से मतपत्रों से चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं, हालांकि चुनाव आयोग ने ईवीएम हैकिंग के दावों से इनकार किया है। गुरुवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक होने और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने के बनते माहौल के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने कहा, मैं ये बात बिल्कुल पूरी तरह से साफ कर देना चाहता हूं कि हम बैलेट पेपर के युग में नहीं लौटने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम हर तरह की आलोचना और प्रतिसाद के लिए तैयार हैं। चुनाव ईवीएम और वीवीपैट से ही होंगे, हम उन्हें छोड़कर बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए किसी भी तरह से डराए धमकाए जाने और जबरदस्ती से प्रभावित नहीं होंगे। गौरतलब है कि सोमवार को लंदन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैकर सैयद सूज ने दावा किया था कि साल 2014 के चुनावों में ईवीएम से छेड़छाड़ की गई थी और इससे परिणामों पर फर्क पड़ा था। सूजा ने इस दौरान भाजपा के कुछ नेताओं का भी नाम लिया और कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ करने में पार्टी सबसे आगे है। सूजा ने इस दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी नाम लिया और कहा कि ये लोग उनसे मिले थे। हालांकि हैकर ने ये साफ किया कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने उनसे ये जानने के लिए मुलाकात की थी कि ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। माई सिंपल क्वेश्चन इज दैट इफ द रिजल्ट इज एक्स, ईवीएम इज राइट। इफ द रिजल्ट टर्न्स आउट टू बी वाई, द ईवीएम इज फॉल्टेड। व्हाई हैव वी काइंड ऑफ मेड अ मशीन and that too manufactured under highly secure conditions by the two PSUs. However, I would like to make it very, very clear once more. In fact, it's not I, it's the entire ECI. It's the ECIs of the past and it will be the ECIs of the future that we are not going back to the era of ballot papers. शहीद लॉन्स नायक नजीर अहमद वानी को मरणोपरांत देश के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। देश में सेना में शामिल होने से पहले वानी खुद आतंकी गतिविधियों में शामिल रहते थे। उन्होंने अपना मन बदला और देश की सेवा करने के लिए सेना में शामिल हो गए। लॉन्स नायक नजीर वानी सेना की 34 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। नवंबर माह में जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के ऑपरेशन में उन्होंने 6 आतंकियों को मार गिराया था। उसी मुठभेड़ में वानी शहीद हो गए थे। नजीर अहमद वानी को आतंकियों के खिलाफ उनकी बहादुरी को देखते हुए उन्हें 2 बार सेना मेडल भी मिल चुका है। अशोक चक्र शांति के समय सेना की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। लॉन्स नायक नजीर अहमद वानी ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए उन्होंने आतंकियों को ढेर कर दिया था और साथ ही उन्होंने अपने घायल साथियों को सुरक्षित बाहर निकाला और देश के लिए अपनी जान दे दी। सेना का यह जवान कश्मीर से उस हिस्से से आता है जहां पर सबसे ज्यादा आतंकी वारदातें होती हैं। वानी पहले एक आतंकी थे लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदला और देश सेवा के लिए निकल पड़े। एक आतंकी से देश के लिए शहीद होने वाले वानी आने वाली कई पीढ़ियों को सेना में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। कश्मीर घाटी के कुलगाम जिले के चेकी अशमूजी गांव के रहने वाले नजीर के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं।
गुरुग्राम के उलवास गांव में निर्माणाधीन 4 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे में तकरीबन 20 लोग दब गए हैं। इनमें ज्यादातर सिक्योरिटी गार्ड बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और बीएसएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। गुरुग्राम में हादसा गुरुवार सुबह 5 बजे हुआ। इमारत गिरते ही चीख पुकार मच गई। बिल्डिंग का मलबा दूर दूर तक बिखरा, जिससे आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इस इलाके में बुधवार को बारिश भी हुई थी। रहवासियों ने बताया कि यह इमारत बिना किसी मंजूरी के बनाई जा रही थी। उलवास गांव में गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह और एसडीएम संजीव सिंगला भी पहुंचे। सिंह ने कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। एसडीएम सिंगला के मुताबिक इमारत कमजोर थी और बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह से बनाई जा रही थी। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देना बैंक की ओर से सभी देशवासियों को 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दखल न्यूज के दर्शकों को और भोपाल निवासियों को 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दखल न्यूज के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत विष्णु सक्सेना का नमस्कार। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तमाम देशवासियों से कहना चाहूँगा कि इस गणतंत्र दिवस पर अपने दिल के अंदर देश की प्रगति के लिए, स्वच्छता के लिए, देश की उन्नति के लिए एक भाव जागृत करें और देश को ऊपर उठाने की जितनी तमाम कोशिशें हो सकती हों वो करें। देश के प्रति उनका ये सबसे बड़ा भाव होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दखल न्यूज़ के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शौर्य का प्रतीक केसरिया, शांति का सफ़ेद और समृद्धि का प्रतीक हरा रंग से बना हमारा तिरंगा इस गणतंत्र दिवस पर सभी देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को कांग्रेस की ओर से लोकसभा टिकट का ऑफर मिला है। गौर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पिछले दिनों दिग्विजय सिंह जब उनसे मिलने आए थे तब उन्होंने भोपाल से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। गौर ने ये भी कहा कि वे इस ऑफर पर विचार कर रहे हैं। गौर के इस बयान के बाद एक बार फिर भाजपा में अंदरूनी खींचतान सामने आई है। विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की थी। काफी विवाद के बाद गौर की बहू कृष्णा गौर को गोविंदपुरा से टिकट दिया गया। इसके बाद से ही गौर काफी मुखर होकर भाजपा की आलोचना करने से भी नहीं चूक रहे। 18 जनवरी को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गौर से मुलाकात की थी। गौर के मुताबिक इसी मुलाकात के दौरान उन्हें भोपाल से कांग्रेस की लोकसभा सीट ऑफर किया गया है। गौर की ओर से किया गया ये खुलासा भाजपा के लिए फिर परेशानी माना जा रहा है। गौर ने ये भी कहा कि उनकी राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है और वे लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके दिग्विजय सिंह के साथ पुराने रिश्ते हैं और इसी कारण उनकी ओर से उन्हें ऑफर दिया गया है। गौर ने कहा कि वे इस ऑफर पर विचार कर रहे हैं। ग्वालियर में पूर्व मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद पटेल का चालान काट दिया गया। पटेल की गाड़ी की नंबर प्लेट नियम विरुद्ध थी और आरटीओ ने उनका 500 रुपए का चालान काट दिया। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस शहर में अवैध हुटर, सायरन, गलत तरह से लिखी नंबर प्लेट, कार के शीशों पर काली फिल्म सहित अन्य मामलों को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। आरटीओ और पुलिस की संयुक्त टीम जब ग्वालियर के सिटी सेंटर पर कार्रवाई कर रही तभी वहां से पूर्व मंत्री प्रहलाद पटेल गुजरे। गाड़ी की नंबर प्लेट नियम के विरुद्ध होने के कारण टीम ने उनकी गाड़ी रोक ली। उन्हें बताया गया कि नंबर प्लेट गलत लिखी है और गाड़ी पर पार्टी का झंडा भी लगा है। आरटीओ ने पटेल का 500 रुपए का चालान काट दिया। उन्होंने कहा कि झंडा निकाल लग रहा है, उनका झंडा नहीं निकाल सकते। अगर कोई वायलेशन हुआ तो चालान बना। जी जी जी, तो चालान देना चाहिए। अगर मैंने नियम का उल्लंघन किया है, जो गाड़ी जिंदगी है या गाड़ी चला रहे हैं, तो उसका एक नियम है कि भाई आप चालान बनाए।
इस दौरान प्रहलाद पटेल ने कहा कि यह उनके परिचित की गाड़ी है और पुलिस को जो कार्यवाही करनी है वो स्वतंत्र है। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी से कार्यवाही की जानकारी भी ली, साथ ही ये भी पूछा कि कौन सी धारा और कितना चालान काटा गया है। चालानी कार्यवाही के बाद प्रहलाद पटेल वहां से रवाना हो गए। एक बेटी ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को किया SMS, मेरे पिता को हार्ट अटैक की बीमारी है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने 2 मिनट बाद उस लड़की को फोन लगाकर पूरी जानकारी ली और उन्हें इलाज के लिए रायपुर बुला लिया। पिता के हृदय रोग से पीड़ित लाचार बेटी ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को मोबाइल फोन से अपने पिता की बीमारी के संबंध में SMS किया और मंत्री ने तुरंत फोन लगाकर बेटी से उसके पिता के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी ली और इलाज के लिए रायपुर बुला लिया। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ निवासी गिरधर मेघानी पेशे से टीवी मैकेनिक हैं। लगभग 1.5 माह पूर्व उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, जिसके बाद उन्होंने रायपुर व हैदराबाद में अपना उपचार कराया, जिसमें लाखों रुपए खर्च हो गए। डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन करना ही अंतिम उपाय है और इसमें 4 से 5 लाख रुपए का व्यय है। गिरधर मेघानी आर्थिक रूप से इतने सुदृढ़ नहीं हैं कि वे अपने इलाज में इतने रुपए के खर्च का वहन कर सकें। अपने पिता को लाचार देख उनकी पुत्री प्रिया मेघानी ने छत्तीसगढ़ के संवेदनशील स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव को उनके नंबर पर मैसेज किया और उसके बाद उनके पिता का उपचार शुरू हो गया। मैंने सर को मैसेज भेजा था कि मेरे फादर की तबीयत खराब है और उनका बाईपास सर्जरी सजेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर, तो उनका रिप्लाई भी आया, उनका कॉल आया फर्स्ट कि मैंने उनको पूरी प्रॉब्लम बताई। वो बोले कि अपने हॉस्पिटल की पूरी डिटेल्स के साथ आपने किनको TS सिंह सर को मैंने मैसेज किया, उसके बाद उनका कॉल आया, फिर मैंने उनको पूरी डिटेल्स बताई और सर ने मेरे को फुल सपोर्ट किया है। फिर उसके बाद सर ने बोला राजेंद्र बोंदिया को बोलिए, उनको मेरे को कांटेक्ट करेंगे, मैं पूरी बात करूंगा उनसे। फिर राजेंद्र बोंदिया ने भी मेरी बहुत हेल्प की, इससे पहले मेरी विनय जायसवाल ने भी बहुत हेल्प की थी। थैंक यू सो मच सर, यू आर द बेस्ट फॉर मी और सर थैंक यू, I also want to be like you। प्रिया मेघानी अपने पिता की तबीयत का हवाला देते हुए आर्थिक स्थिति की लाचारी की वजह से उपचार नहीं करा पाने की बात बताई। मैसेज मिलने के 2 मिनट बाद ही हेल्थ मिनिस्टर TS सिंहदेव ने प्रिया मेघानी को फोन लगाया, उसके पिता की पूरी मेडिकल रिपोर्ट की जानकारी ली और प्रिया से उन्होंने मनेंद्रगढ़ से ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र बोदिया से पूरे कागजात लेकर मिलने को कहा। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने मंगलवार को गिरधर को उपचार के लिए रायपुर बुला लिया। स्वास्थ्य मंत्री के फौरी तौर पर उठाए गए इस कदम की लोगों ने काफी सराहना की है। आग लगने के कारण सिम्स अस्पताल में अफरा तफरी मच गई थी और कई बच्चे इससे बुरी तरह प्रभावित हुए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव सिम्स पहुंचे और वहां के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर की। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव सिम्स पहुंचे और एक दिन पहले आग लगने की वजह से ICU में भर्ती बच्चों के हाल जाने। सिम्स अस्पताल में आग लगने के कारण इन बच्चों की हालत बिगड़ गई थी। सिंहदेव ने अस्पताल में भर्ती बच्चों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अब यह विचार करने का समय आ गया है कि मौजूदा व्यवस्था के बीच सिम्स चलाने लायक है या नहीं, या इसे बंद किया जाना चाहिए। सिम्स के बारे में जरूर बहुत दिनों से ऐसा सुनने में आता रहा है और जांच में ये भी बात जरूर आएगी कि ये जो घटना हुई लापरवाही थी या दुर्घटना थी। ये कमियां जांच में सारी बातें आ जाएंगी। अगर कोई ऐसी बात आती, अभी विधायक जी ने उनकी आवश्यकता अनुसार मांग रखा है, करीब 33 करोड़ की बात को रखा है, उसका भी परीक्षण कराएंगे कि एक बड़ी राशि है। फिर भी जो न्यूनतम आवश्यकताएँ हैं वो सबसे पहले होनी चाहिए। नया बिल्डिंग भी बनना है, जब तक ये बिल्डिंग बनेगा, क्योंकि निर्णय क्लियर है, अगर यहाँ अस्पताल चलने लायक नहीं है तो बंद होना चाहिए, और अगर चलने लायक है तो फिर वो ऐसी सुविधाओं से युक्त होना चाहिए कि दुर्घटना की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये निर्णय हम लोग क्लियरली लेंगे। मंगलवार को बिजली की वजह से आग लगने के कारण सिम्स अस्पताल में अफरा तफरी मच गई थी। आग लगने के बाद USA कई बच्चे प्रभावित हुए, उन्हें इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। स्वास्थ्य मंत्री ने निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए बच्चों का हालचाल जाना और सिम्स पहुंचकर मौके का मुआयना किया। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज।
देख रहे हैं दखल न्यूज। भारत के गणतंत्र दिवस की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष हमारा अच्छा संविधान के जो नियम हैं उसको हम सब नियम को पालन करें और देश हमारा उन्नति करे। दखल न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की रेवावासी पाउडर की ओर से बहुत बहुत बधाई। पर किचन की ओर से गणतंत्र दिवस की प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आइडल सैलून की ओर से गणतंत्र दिवस की सभी शहर एवं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस राष्ट्रीय त्यौहार को सभी देशवासी बहुत उमंग और उत्साह से मनाएं। सबके साथ एक बार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइडल फैमिली सैलून की तरफ से सभी देशवासी और भोपाल वासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकार का सबसे जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड बनवाना वैसे ही आसान काम नहीं है। ऐसे में आधार कार्ड में करेक्शन करवाने में तो लोगों को और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये मामला राजधानी भोपाल का है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में आधार कार्ड कैसे बन रहे हैं। भोपाल में 12 दफ्तर पर आधार कार्ड सेंटर बनाया गया है। ये बनाया तो लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए था, पर इससे लोगों की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ गई है। यहाँ ना तो समय पर आधार कार्ड बन पा रहे हैं और ना ही लोगों की शिकायत सुनी जा रही है। कुछ कहो तो यहाँ के कर्मचारी बदतमीजी पर उतर आते हैं। पूरी भीड़ लगी जाती है, बहुत भीड़ लग जाती है यहाँ पे सेंटर, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले बैंक वाले काम नहीं कर रहे, पब्लिक परेशान हो रही है, हमारे पास आके यहाँ पे खड़े हो रहे। जब मैं सेंटर खोलता हूँ ऑलरेडी 40 से 50 लोग हमें मिलते हैं। जैसे ही हम फॉर्म बांटते हैं 5 मिनट में यहाँ पर 50 फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद कोई 11 बजे 11:30 बजे आता है तो वापस आना पड़ता है। एवरेज टाइम अगर हम माने तो 7 मिनट लगता है, क्योंकि जो 2011-12 के आधार कार्ड बने हैं वो सारे के सारे इनएक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि हर 5 साल में रेंडमली हमें बायोमेट्रिक अपडेट करना कंपलसरी है, वो आम जनता को नहीं पता है। तो जब हम यहाँ फुल अपडेट करते हैं तो एक आधार कार्ड में मोस्ट ऑफ दी मतलब 7 से 8 मिनट मार के चलो तो 1 घंटे में बने अपने 8 आधार कार्ड। आदमी 8 घंटे भी काम करेगा तो कितने बनाएगा, 60-70, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता। नहीं, मेरे एक्चुअली उतने कस्टमर केयर वालों ने बोला स्कैन के कारण तुम्हारा रिजेक्ट हो गया है, स्कैन क्वालिटी खराब है। पर एक्चुअली जो इधर आधार सेंटर वाले बैठे ये कह रहे हैं कि नहीं स्कैन कॉपी बढ़िया है, ना स्कैन जो करा है वो बढ़िया रहा। तो अब मैं किसको सही मानूं? नंबर लगा रोटी बांध के खाने के लिए। हाँ। और वो गेट खोल के सब अंदर कर दिया। अच्छा, पहले किसी को नंबर एने टोकन देते हैं ना। हाँ। तो किसी को टोकन नहीं दिया। हाँ। और फिर जो फॉर्म भर भर के जा रहे थे बाकी जो बाहर खड़े थे जमा कर लिए। अब सबसे पहले मैं आया लेकिन मेरा अकाउंट में नंबर आ गया। इस आधार कार्ड सेंटर पे लोगों को घंटों लाइन लगाने के बावजूद भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि आधार कार्ड सेंटर पर घंटों लाइन में खड़ा किया जाता है और उनसे आधार कार्ड बनाने की रिक्वेस्ट करते हैं तो वे हम लोगों से बदतमीजी करते हैं। इस बारे में SDM ने कहा कि हम इस मामले की जांच करवाते हैं और जल्द ही इसका निराकरण किया जाएगा। प्रयागराज के कुंभ में बस्तर बैंड और छत्तीसगढ़ के सुआ नाचा की धूम मची हुई है। बस्तर के विलुप्त होते बाग यंत्रों के साथ ये टीम प्रयागराज पहुंची हुई है और यहां हो रहे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बस्तर के लोक नृत्य की प्रस्तुति दे रही है। साथ ही दुर्ग जिले के कलाकारों ने भी यहाँ सुआ नाचा राउत नाचा का प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। देश में बस्तर की पहचान भले ही नक्सलवाद से बनी हो, पर यहाँ के लोक कलाकारों ने देश में बस्तर की एक अलग छवि बनाने का बीड़ा उठाया है। प्रयाग कुंभ में भी ये कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। लगभग 22 कलाकारों की इस टीम ने इसे बस्तर बैंड का नाम दिया है और इस बैंड की खासियत है कि इसमें बस्तर के विलुप्त होते वाद्य यंत्रों को शामिल किया गया है। बस्तर बैंड के संयोजक अनूप रंजन पांडे बताते हैं कि इस कार्यक्रम में उनकी टीम ने देव पाड़ की प्रस्तुति की, जिसमें देवता के आने व ठहरने के लेकर उनके विदाई तक का वर्णन है। भावना तो मतलब कलाकार से और आप संवाद करेंगे तो और बेहतर चीजें आपको और भी मिल पाएंगी, लेकिन इस वक्त तो ये संवाद था कि हमने देव पाड़ की प्रस्तुति की। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाड़ और पाटा जो है बस्तर के अंदर में चीज़ें चलती है, अलग अलग पहाड़ के रूप में उन लय सुरताल राग रागनियों को हम जानते हैं। तो आज देव पहाड़ की यहाँ प्रस्तुति की गई थी, जिसमें देवी देवताओं से जुड़े हुए
गीत और संगीत की वानगी इसके अंदर में थी। जी हम बजा रहे हैं सर अभी फ्राई, माटी मांदरी, घुंगरू, टेहंडोड़, पटोड़का, नंगोरा, मोहिर, फिटिंग। और ये जो नाच रहे थे इसको क्या कहा जाता है? इसको सामूहिक नाच रहे हैं उसको सर, इसको हम पूरा बस्तर बैंड। वहीं कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय गीत सुआ नाचा कर्मा और राउत नाचा से सजाने वाली दुर्ग जिला की कलाकार उर्वशी साहू ने बताया कि वे इससे पहले छत्तीसगढ़ की इस कला के माध्यम से देश के कोने कोने में जा चुकी हैं, पर प्रयागराज के इस महाकुंभ में छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रदर्शन कर उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। मतलब बहुत ज्यादा खुशी होती और मैं हर बार अपन छत्तीसगढ़ की संस्कृति लेके हमेशा उत्तराखंड, देहरादून, हरियाणा, लखनऊ, बेंगलोर, अंडमान निकोबार बहुत जगह गए हूँ और आज 12 साल में हो ये कुंभ मेला में मोर प्रोग्राम सुआ कर्मा ददरिया और राउत नाचा की प्रस्तुति यहाँ मैं करे मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती कि यहाँ के जो दर्शक है हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति ला बहुत प्यार दी से, आशीर्वाद दी से और बहुत ज़्यादा सराही से ये बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और गर्व है कि मैं छत्तीसगढ़ की संस्कृति ला लेके आज ये प्रयागराज कुंभ में प्रोग्राम करे बरा हूँ। उर्वशी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के दर्शकों ने भी उन्हें व उनकी टीम को प्यार और सम्मान दिया जिसकी उन्हें बेहद खुशी है। साथ ही इस तरह के प्रतिसाद मिलने पर उनकी इच्छा है कि वे भी तीजन बाई की तरह इस कला को विदेशों तक पहुंचाएं। जमीन विवाद के चलते एक भाई ने अपने ही भाई की पिटाई लगाई और उस पर फायर कर दिया। घटना छतरपुर के बमीठा की है। छतरपुर के बमीठा थाना के पुतराया गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक भाई ने अपने साथियों के साथ गोली मारकर अपने ही भाई को घायल कर दिया। घटना उस समय हुई जब पीड़ित किसान शंकर पटेल अपनी पत्नी और बच्ची के साथ खेत से घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसके भाई और दो अन्य लोगों ने उससे गाली गलौज कर रोका और उसे मारने लगे। तभी पीड़ित किसान की पत्नी बीच बचाव करने आई तो उसे भी उन लोगों ने पीट दिया। पता चला था कि ग्राम पुतरयान में शंकर फरियादी शंकर को उसके भाई कृष्णचंद ने कट्टी से फायर कर चोट पहुंचाई है जो उसकी दाहिने हाथ की भुजा में लगी है। अब उसकी जो है प्री एमएलसी अभी अपराप्त है जिसको देखते हैं कि चोट कौन सी आई है और अपराध कायम कर जो है आगे विवेचना की जाए। बाद में पीड़ित किसान के भाई ने उस पर कट्टे से फायर किया जिसकी गोली उसके हाथ में लगी और वह वहीं गिर गया। घायल किसान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं बमीठा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में अतिथि विद्वानों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इन अतिथि विद्वानों को सरकार के नियमों के मुताबिक भुगतान नहीं किया जा रहा है, मजबूरन ये लोग आंदोलन के लिए बाध्य हुए हैं। अतिथि विद्वानों के संबंध में राज्य शासन ने एक आदेश जारी किया था जिसमें मानदेय के संबंध में यह लिखा गया था कि अतिथि विद्वानों को 1500 प्रतिदिन और महीने में न्यूनतम 30,000 और अधिकतम कुछ भी दिया जाए, लेकिन महाविद्यालय ने राज्य शासन के निर्णय की अवहेलना करते हुए आज तक इस व्यवस्था को लागू नहीं किया है। अतिथि विद्वानों का कहना है जो राज्य शासन का निर्णय लिया गया है उसको तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय में लागू किया जाए। विभाग द्वारा दिनांक 26/6/2018 को अतिथि विद्वानों के संबंध में एक आदेश प्रसारित किया गया था जिसमें मानदेय के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को 1500 रुपये प्रतिदिन और महीने में न्यूनतम 30,000 और अधिकतम कुछ भी इस प्रकार का मानदेय दिया जाएगा। तो उसके तत्काल बाद हम लोगों ने 29/6/2018 को माननीय कुलपति जी को एक ज्ञापन पत्र प्रस्तुत करते हुए मांग की थी कि जो महाविद्यालयों के लिए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है उसको तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय में लागू किया जाए। चूँकि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जो कार्यरत अतिथि विद्वान हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता, भर्ती का तरीका और मानदेय सब कुछ एक समान है, लेकिन माननीय कुलपति जी द्वारा उस समय ये बताया गया कि ये राज्य शासन का जो आदेश है इसको हम नहीं मानते, समन्वय समिति से जो निर्णय होगा उसको हम लागू करेंगे। तो समन्वय समिति की 95वीं बैठक में ये विषय प्रस्तुत हुआ दिनांक 6/9/2018 को और समन्वय समिति में भी ये निर्णय लिया गया कि जो राज्य शासन द्वारा महाविद्यालयों के लिए अतिथि विद्वानों के संबंध में नियम लागू किए गए हैं उस नियम को विश्वविद्यालय अपने अपने स्तर पर लागू करें, लेकिन समन्वय समिति के निर्णय के 4 महीने बीत जाने के बाद भी आज दिनांक तक
हम लोगों के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है, इसीलिए मजबूर होकर के आज हम लोगों ने एक दिन का ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन विश्वविद्यालय परिसर में किया है। छतरपुर के पास एक यात्री बस असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। घायलों में से 2 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। बमीठा थाना के गंज खरौली के पास एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार एक दर्जन यात्री घायल हो गए, जिनमें से 2 यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना उस समय हुई जब यात्री बस छतरपुर से राजनगर जा रही थी, तभी अचानक बस अनियंत्रित हो गई और सड़क के किनारे जाकर पलट गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। ये बिजावर से जा रही थी राजनगर गाड़ी, तो पुलिया के पास गंज बाईपास राजनगर 1 किलोमीटर आगे पुलिया के नीचे उतर गई गाड़ी, जिसमें 5 लोग घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिलासपुर के मुक्ति धाम से चोरों ने एक मृतक महिला की अस्थियां ही चुरा ली। अस्थियों की चोरी तंत्र मंत्र के लिहाज से की गई है या यह किसी शरारती तत्व की कारस्थानी है, पुलिस अब इस जांच में जुटी हुई है। अब तक आपने चोरी की कई घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन बिलासपुर की चोरी की वारदात सुनकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे, जहां पर चोरों ने शमशान को भी नहीं बख्शा और अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां तक चोर ले गए। ये घटना मधुबन स्थित मुक्ति धाम की है, जहां विनय विश्वकर्मा की मां के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन दूसरे दिन हिंदू रीति रिवाज के तहत जब मृतक के रिश्तेदार अस्थि लेने शमशान घाट गए, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जिस जगह उन्होंने शव का दाह संस्कार किया था, उस स्थान से मृतक की अस्थियां गायब हो गई थी। जिनकी पहले एक्सपायर्ड हुई थी, जिनकी की अपने यहाँ पे तिथि का मैंने दाह संस्कार किया, कल शाम को दिया जलाने पर अस्थि और पूरा सही था। सुबह जब आए देखने के लिए तो यहाँ पे पूरा बिखरा हुआ था राख, और उसमें राख और अस्थियां पूरी गायब थी, कुछ मात्रा में राख और अस्थि बची थी। मुक्तिधाम के चौकीदार से पूछताछ के बाद भी जब उन्हें अस्थियां नहीं मिली, तो उन्होंने इस मामले की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की है और मामले की जांच की गुहार लगाई है। पुलिस भी इस चोरी की घटना से हैरान है, माना जा रहा है किसी ने तंत्र मंत्र के लिए अस्थियों को चुराया होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।